हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लॉथिंग टेक्सटाइल के अंतर्गत कपास टॉपिक को पढ़ाएंगे, जिसमें हम कपास का इंट्रोडक्शन बताएंगे, कपास के बारे में परिचय का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम चलते हैं, कपास के बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है हमारा, आज का टॉपिक हमारा क्या है, कपास है। तो कपास जो है हमारा, कॉटन शब्द जो लिया गया है ये अरेबिक भाषा के कॉटन से लिया गया है। परिचय आप जानेंगे। सबसे पहले कपास, हमने पहले बताया था वनस्पति जगत का रेशा है जो प्रकृति से प्राप्त होता है। तो कपास हमारा प्रकृति से प्राप्त होता है, जो वनस्पति जगत से रेशा है यह एक सेलुलेसिक रेशा होता है। इसके अंदर मतलब कपास के अंदर सेलुलोज पाया जाता है, इसलिए इसे सेलुलोजिक रेशा बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, कपास उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य, कपास उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य गुजरात है, महाराष्ट्र, तेलंगाना। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कपास का कहाँ होता है, गुजरात में होता है, सेकेंड स्थान पे महाराष्ट्र में, थर्ड में तेलंगाना में। इस समय भारत, वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन हमारे भारत में होता था, लेकिन इसके पहले का जो आंकड़ा है प्रथम स्थान पे अमेरिका था, लेकिन वर्तमान समय में कपास उत्पादन में भारत हमारा प्रथम स्थान पर है। थर्ड पॉइंट को हम जानेंगे। थर्ड पॉइंट है, कपास को सार्वभौमिक रेशा भी कहते हैं, क्योंकि कपास हमें ठंडक प्रदान करता है और पहनने में अच्छा होता है, इसलिए इसे सार्वभौमिक रेशा कहते हैं। कपास ऐसा रेशा है जिसे हर रेशे के साथ मिला करके कपड़े का निर्माण किया जाता है। कपास को ही कपड़ों का राजा कहते हैं, किंग ऑफ फाइबर, कपड़ों का राजा कपास को कहा जाता है। जो कपास के पेड़ की लंबाई होती है 3 से 6 फीट होती है या 4 से 6 फीट होती है। कपास कई किस्म के पाए जाते हैं, तो कुछ हमारे छोटी झाड़ियों के पेड़ होते हैं, कुछ बड़ी झाड़ियों के पेड़ होते हैं। तो 3 से 6 फीट के लेकर के 4 से 6 फीट के बीच 6 फीट के पौधे कपास के होते हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन वर्तमान समय में भारत में होता था, भारत में हो रहा है, पहले अमेरिका में हो रहा था, लेकिन वर्तमान समय में कपास का सबसे अधिक उत्पादन भारत में हो रहा है। सबसे अच्छे किस्म की कपास हमारी कहाँ पाई जाती है, मिस्र में पाई जाती है। मिस्र में सबसे अच्छे किस्म की कपास पाई जाती है। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो जो उष्णकटिबंधीय जलवायु होता है, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, तो सबसे अधिक उत्पादन उष्णकटिबंधीय जलवायु में होता है। मिट्टी कैसे होनी चाहिए कपास के लिए, तो मिट्टी जो इसकी होनी चाहिए क्षारयुक्त काली मिट्टी में कपास का उत्पादन अधिक होता है। कपास का जो जीवन काल होता है, मतलब एक बार कपास होने में कितना समय लगता है, तो लगभग 200 दिन लगता है या 1 ईयर लगता है। लगभग 200 दिन में हमारा जाके कपास तैयार हो जाता है, फिर हम कपास को एकत्रित करते हैं, जिसे हार्वेस्टिंग कहते हैं, एकत्रित करने की विधि को। कपास की जो प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिर है भारत में कपास की मिल कब खोली गई, तो भारत में कपास की मिल 1818 ईस्वी में कोलकाता में खोली गई। सबसे पहले कहाँ खोली गई, भारत में कपास की मिल सबसे पहले 1818 में कोलकाता में खोली गई। कपास जो होता है हमारा, यह सबसे छोटा रेशा होता है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि कपास हमारा कैसा रेशा है, तो सबसे छोटा रेशा होता है, और कपास को ही विश्वव्यापी रेशा कहा जाता है। जन्मदाता क्या है कपास का, तो भारत देश है हमारा जन्मदाता। उसके बाद कॉटन क्या है, तो कॉटन हमारा ह्यूमन फ्रेंडली फाइबर है। और केंद्रीय कपास का जो अनुसंधान, कपास केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान हमारा कहाँ पर है, तो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस प्रकार से हमने कपास के बारे में जाना। आशा करती हूँ कि सारे बिंदु आपको समझ में आए होंगे। यह कपास के बारे में इंट्रोडक्टरी क्लास थी। अब हम आएंगे तो कपास की प्रोसेस जानेंगे कि कपास को कैसे निकाला जाता है, कैसे एकत्रित किया जाता है, कैसे कपास से धागे का निर्माण किया जाता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।